तो हम लोग भी अपने जीवन में माया शल्य से दूर रहने का प्रयास करें और जिन जीवन में व्यवहार में विचार में सरलता स्पष्टता रखने का प्रयास करें और निदान तपस्या साधना करें उसका भौतिक फल पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि तपस्या की तो मुझे यह फल मिले, मुझे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो मिल जाए, देवगति मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और मिथ्या दृष्टिकोण हमारा न रहे, हम यथार्थ दृष्टिकोण वाले बने, सम्यक्त्व संपन्न रहें, न कि मिथ्यात्व संपन्न बन जाएं, मिथ्या दृष्टिकोण वाले बन जाएं। देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा, सही देव गुरु धर्म के प्रति हमारी पुष्ट श्रद्धा बनी रहनी चाहिए ताकि मिथ्यात्व का शल्य हमारे भीतर